कटार कांतर आए दिन नए नए रिकॉर्ड बना रही है। अब ये हाल ही में KGF चैप्टर 1 को पीछे छोड़ते हुए कन्नड़ इंडस्ट्री की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई है। हाल ही में फिल्म ने 250 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है। कांतारा के पहले सिर्फ KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 ने ही 250 करोड़ की कमाई की थी। अब ओवरऑल कमाई की बात की जाए तो कांतारा के आगे सिर्फ KGF चैप्टर 2 ही है। हालांकि KGF चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ना लगभग नामुमकिन होगा, लेकिन फिर भी एक छोटे बजट की फिल्म होने के बावजूद इतना बड़ा कलेक्शन करना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वरुण धवन आजकल अपनी अपकमिंग फिल्म भेड़िया के प्रमोशन में काफी बिजी है। हाल ही में उनके फिल्म का गाना ठुमकेश्वरी रिलीज हुआ, जिसे फैंस ने काफी पसंद करा। वरुण एक एक्टर होने के साथ बहुत बड़े क्रिकेट फैन भी है। वो अक्सर टीम इंडिया के मैच जीतने पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खुशी का इजहार करते रहते हैं। हाल ही में वर्ल्ड कप के मैच में जब टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया तो वरुण खुशी से झूम उठे थे। अब उनके फिल्म के प्रमोशन के दौरान जब पापाराजी ने वरुण से विराट कोहली के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, वो तो भगवान है, भाई फाड़ रहे हैं, बिल्कुल फाड़ रहे हैं। वरुण धवन की मोस्ट अवेटेड फिल्म भेड़िया का पहला गाना ठुमकेश्वरी रिलीज कर दिया गया है। शुक्रवार को मुंबई में इस गाने की लॉन्चिंग की गई। फिल्म के एक्टर अभिषेक बैनर्जी ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म के गाने को फैंस के साथ शेयर किया है। इस साल का सबसे बड़ा सॉन्ग भी बताया है। इस गाने में वरुण धवन के फिल्म की लीड एक्ट्रेस कृति सनन के साथ ठुमके लगाते दिख रहे हैं। बता दे कि भेड़िए को इंडिया की पहली क्रिएचर कॉमेडी फिल्म कहा जा रहा है। हाल में ही फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था, जिसमें वरुण भेड़िया बनते नजर आए। ट्रेलर को ऑडियंस द्वारा काफी पसंद किया गया था। अमर कौशिक की डायरेक्शन में बने इस फिल्म में वरुण धवन और कृति सनन के अलावा अभिषेक बनर्जी, दीपक डोगरियाल भी मुख्य भूमिका में है। 25 नवम्बर को फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी।